एस्ट्रो लवर्स, ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। बहुव्याधिर हिरण तेजो त्रास युक्तो प्रणिष्ठुर रस्व पिंगलो भीरुर हेमंते जायते नर। दोस्तों, इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति का हेमंत ऋतु में जन्म होता है वह जातक कैसा होता है। आइए हम जानते हैं कि हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाला जातक कैसा होता है या यह श्लोक में क्या कहा गया है। जिस जातक का जन्म हेमंत ऋतु में होता है वह जातक अनेक प्रकार की व्याधि या चिंता से युक्त, निष्ठुर, छोटी पर पुष्ट गर्दन वाले और डरपोक होते हैं। दोस्तों, हमारे पंचांग में ऋतु के 6 विभाग किए गए हैं। यह 6 विभाग इस प्रकार है: हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इंग्लिश कैलेंडर में ऋतुओं के 3 विभाग किए गए हैं, किंतु हमारे पंचांग में ऋतुओं के 6 विभाग किए गए हैं। सामान्यतः कार्तिक और मृगशीर्ष मास में हेमंत ऋतु होती है, पौष और माघ मास में शिशिर ऋतु होती है, फाल्गुन और चैत्र मास में वसंत ऋतु होती है, वैशाख और ज्येष्ठ मास में ग्रीष्म ऋतु होती है, अषाढ़ और श्रावण मास में वर्षा ऋतु होती है, भाद्रपद और आश्विन मास में शरद ऋतु होती है। दोस्तों, आप सबको अपनी जन्म तारीख और जन्म तिथि के बारे में निश्चय रूप से पता होगा। इस श्लोक में जो कहा गया है यह वास्तविक जीवन में आप सब एक बार अवश्य ये आजमा कर देखें कि हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाले जातक के बारे में जो इस श्लोक में कहा गया है हकीकत में वैसा देखने को मिलता है या नहीं। एक सामान्य नियम है, कोई भी चीज़ जितनी प्रसिद्ध होती है उतनी ही तीव्रता पर उसकी आलोचना भी होती है। कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि ज्योतिष का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है और यह अंधश्रद्धा है। यह विज्ञान है या नहीं इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय ज्योतिष में जो भी नियम बताए गए हैं आप उन सब का अभ्यास करें और ज़रूर यह जानने का प्रयत्न करें कि जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी फल कथन कहा गया है वास्तविक जीवन में वह होता है या नहीं। इसके बाद ही आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ मत बनाएं। हम निरंतर यही प्रयत्न करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आपका जीवन सरल एवं सुखी रहे। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।